हेलो आनस, तुम आपको आई रहते हैं। दोस्तों, होम थिएटर में ट्रांसफार्मर ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, तो क्या करें? दो नॉर्मली देखिए गर्म होता है, कोई ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं होता है, नॉर्मली गर्म होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा गर्म हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो कुछ तो कारण होगा, तभी गर्म हो रहा है ना। तो आज इसी हम लोग देखेंगे, दो ही कारण होता है ट्रांसफार्मर गर्म होने का, तो देखते हैं। चलिए, तो पहले देख लीजिए, इसको देख लीजिए पहले, ये अपना इधर उधर ज़्यादा नहीं देखेंगे। सबसे पहले अपने को ट्रांसफार्मर चेक करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, मैं ये वाला ट्रांसफार्मर को ले आता हूँ। देखिए, ये ट्रांसफार्मर मैं ले आया, ये ट्रांसफार्मर देखिए चालू है ना, तो ये देखिए सेम टू सेम है, ये 0 है, ये 12 है और ये 12 है। तो इसको पकड़ेंगे, ओके, उसके बाद इसमें टच करेंगे 0 के साथ ना, 12 12 कभी भी टच नहीं करना है, ये बात अच्छे से समझिए। 0 से ही 12 12 को करना है ना, 12 12 को नहीं करना, इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। तो आप लोग देखिए, ये आगे ये 0 है और ये 12 है, तो 12 को टच करना है इसमें ऐसे, ये 2 से 3 बार टच करेंगे आप लोग। ये देखिए चिंगारी फेंक लिया, तो ये क्या है, ये अपना 12 ये सही है, इधर कर लिए साइड। अब ये 12 को करंट नहीं मारेगा, टेंशन मत लेना, ट्रांसफार्मर आपका खराब रहेगा तभी करंट मारेगा। फिर इसको ऐसे पकड़ना है, इसको ये देखिए 2 3 बार ऐसे करना है, चिंगारी फेंकना चाहिए, ऐसे फेंक रहे हैं ना, देखिए आवाज भी आ रहा होगा आपको। ये हो गया, इसको मैं निकाल देता हूँ ट्रांसफार्मर को, ये हो गया, इसको इधर साइड करता हूँ। ये देखिए एक कारण आपको पता चल गया, एक इसके वजह से होता है ट्रांसफार्मर में, एक साइड से आप देखना, जब 0 के साथ इसको करेंगे, 0 के साथ टच मारेंगे, तो देखना एक साइड आपको चिंगारी नहीं फेंक रहा है, तो समझ जाना कि आपका ट्रांसफार्मर खराब है, तो इसलिए ज्यादा गर्म हो रहा है। और देखिए जैसे कभी कभी वो चल रहा है और ज़्यादा ट्रांसफार्मर गर्म हो रहा है, तो वो रिपेयर हो जाता है ट्रांसफार्मर। कैसे होता है वो चीज़ एक बार मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए ये ट्रांसफार्मर है आप लोगों का, तो इसको मैं रिपेयर किया था यहाँ से काट के, तो जैसे इसको कर रहे ना, कम चिंगारी मार रहा है या कभी मार रहा है कभी नहीं मार रहा, तो आपका यहाँ से रिपेयर हो जाएगा अंदर से, ये बात को याद रखना आप लोग, ओके। और कुछ भी नहीं मार रहा है तो फिर तो होम थिएटर चालू ही नहीं होगा, बंद होगा, चालू होगा, बंद होगा, वो अलग प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा हीट हो रहा है तो इसका होता है, यहाँ स्पार्क आ जाता है आप लोगों को, उसको रिपेयर करना होता है। ज़्यादा जैसे कमेंट रहेगा भाई लोग का, तो इसको रिपेयर करके भी मैं दिखा दूंगा कैसे रिपेयर होगा। ये चीज़ हो गया, इतना हो गया, पहला चीज़ ये हो गया, पहले ये प्रॉब्लम रहता है। एक और प्रॉब्लम क्या है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, इसको देखिए किट को, या अब ना किट का प्रॉब्लम रहेगा, यहाँ से किट का देखेंगे तो इसको पलटाऊंगा मैं। आप लोग देखिए यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर दिख रहा होगा, 4 डायोड, इसको अच्छा दिखाना चाह रहा हूँ मैं, इसको देखेंगे तो ये देखिए ये अपना 4 डायोड दिख रहा है, ये 4 डायोड मैंने, एक या 2 डायोड खराब होगा या लीक होगा, जिसमें आप मीटर में चेक करेंगे उसको आपको पता भी नहीं चलेगा, चेक कितना भी चेक कीजिए आप, ओपन रहेगा तो दिखाएगा, दिखाएगा नहीं, हल्का सा लीक रहेगा तो भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि दिखाता ही नहीं, और कभी कभी शॉर्ट रहता है एक ठो, तो ओपन शॉर्ट लीक अलग की बात है। एक डायोड जो 4 ठो दिख रहा है यहाँ पर, आपका बड़ा छोटा रहेगा, मैं जैसे कि एक ठो और दिखा देता हूँ, बोर्ड वोर्ड जैसे नॉर्मल बोर्ड आता है किसी में भी, ये 4 डायोड लगा हुआ है यहाँ पर, जो डायरेक्टली इसको पलटाता हूँ मैं, जो अपना 12 012 जा रहा है यहीं पर, ये देखिए यहाँ से तीनों जुड़ता है 12 0, यहीं ये डायोड रहता है चारों, आँख मूंद के 4 डायोड को चेंज कर लीजिए, सोचिए भी मत, आपको जो प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो प्रॉब्लम हट जाएगा 100 100%। यही प्रॉब्लम रहता है आपका ज़्यादा गर्म होता है, तो नॉर्मली ट्रांसफार्मर गर्म होता है लेकिन आपको लग रहा है कि हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है, पता है। आप दोनों चीज़ को करके देखिए, एक बार ट्रांसफार्मर चेक कीजिए, एक बार यार डायोड को पूरा चेंज कीजिए, आपका ट्रांसफार्मर सही चिंगारी फेंक रहा है अच्छा से, या मीटर से चेक कर लेना एक बार, 0 में लगा लेना, 13 13 वोल्ट आता है, 12 वोल्ट बोलते हैं, 13 13.5 वोल्ट या 12 वोल्ट आएगा आपका, जैसे बीजे और आपका घर का वोल्टेज है ना, कभी 220 रहता है 210 रहता है, उस हिसाब से ट्रांसफार्मर बेचता है, कभी 13 वोल्ट लेगा, कभी 14 वोल्ट लेगा या 12 वोल्ट आएगा, जो भी आ रहा है सही से आ रहा है, तो समझ जाना आपका ट्रांसफार्मर सही है। 4 डायोड को चेंज कर दिए, 100% आपका सही हो जाएगा, और नहीं होता तो कुछ अलग प्रॉब्लम है, आईसी और इधर का प्रॉब्लम होगा रिटर्न के लिए, ओके। तो उसको बाद में देखेंगे, ये चीज़ आप करके देखिए, नहीं होता तो कमेंट बॉक्स जिंदा है, कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं, आपके दिन बहुत बहुत शुभ रहे।